हेलो जी, गुड मॉर्निंग सिंगापुर। और सिंगापुर में बहुत खूबसूरत सुबह। और अभी जी आपका भाई आपको दिखाएगा जी आज मैं किधर हूँ, और आपको ये भी दिखाएगा। हाय, हाउ आर यू? सो आपको ये भी दिखाएगा कि जी सिंगापुर की जो सुबह किस तरह खूबसूरत होती है और किस तरह बनानी पड़ती है खूबसूरत। अभी जी मैंने होटल से चेकआउट कर लिया, तो इसके बाद मैं गार्डन वे पर जाऊँगा। रात को ही मैं गया था, लेकिन यह कि सुबह का भी मैं मंजर देखना चाह रहा था उधर। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये है जी एरिया लिटिल इंडिया का। इसके साथ चाइना टाउन भी बहुत खूबसूरत है, और मैं आपको तो लिटिल इंडिया दिखाता हूँ। ये फुल इंडिया वाली वाइब दे रहा जी इधर। तो सबसे पहले जी मैं आपको लिटिल इंडिया दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है जी सिंगापुर का लिटिल इंडिया, ठीक है। और ये थोड़ा सस्ता इलाके में आता है, यानी कि इतना भी सस्ता नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको होटल तकरीबन पाकिस्तानी कोई 20,000 रुपया पर नाइट मिल जाएगा, 15,000-20,000, ये कम से कम मैं प्राइस बता रहा हूँ। इससे भी सस्ते शायद मिल जाएं, शायद, लेकिन ढूंढने से क्या। तो सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं, ये देखें जी आपको पूरी तरह इंडियन वाइब नज़र आएगी। लोग भी इंडियन नज़र आएंगे, वाइब भी पूरी इंडियन वाली, ठीक है जी। अब थोड़ा निकलते हैं जी फ्रंट पे, फिर आपको दिखाते हैं। देखें पाजी, देख रहे हैं जी। यार इधर के खाने बहुत मज़े के हैं। मैंने खाना खाया कल भी, खाया थोड़ी देर पहले, नाश्ता भी किया। तो खाने इधर बहुत मज़े के हैं, यानी कि टेस्ट उस तरह नहीं है जिस तरह होना चाहिए, लेकिन ये है कि टेस्ट आता ही है फिर भी। ये देखें जी, ये इधर खाने और एवरीथिंग इधर आपको मिलेगा जी इंडिया का। देखें जी लोग खड़े हुए हैं इधर, वेट कर रहे हैं चलने का। मैं तो इशारों में चल रहा था, ये पहले चलने लग गया। ये देखें जी, अभी जी ये सुबह सुबह का टाइम है, और पता नहीं अब शॉप्स उस तरह ओपन है नहीं ओपन, लेकिन कुछ शॉप्स ओपन है। मैं उधर से स्टार्टअप लेता हूँ। खिलौना की शॉप है यार, ये आपके भाई ने जूता लेना है, लेकिन मैं फाइंड ही कर रहा हूँ कि सस्ता मिल जाए। ये तो बहुत महंगा हो, कितने डॉलर का? $10 का सही है भाई, टू मच एक्सपेंसिव। देख रहे हैं ईच जाए $2.90 और $3.48 सिंगापुरियन डॉलर, $5 ईच। देख रहे हैं आप कितना महंगा है भाई जान, निकलते हैं इधर से। ये देखें जी आपको इंडियन, ये क्लॉथ इंडियन आपको ये नज़र आ रहा, पता नहीं अब इसको क्या कहते हैं उस तरह। ये देखें सूट्स वगैरह आपको नज़र आएंगे $12 का जी, सिर्फ $12 का, बहुत एक्सपेंसिव है ये। तो ये $15-12 आई थिंक ये है। देख रहे हैं ये कोई साड़ी वगैरह, तो ये इस तरह से है $12 के हिसाब से। ले सकता है बंदा, इतना भी वो नहीं है। बाकी ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहन लिया बैग, और अब मुझे होनी है दर्द कंधों के अंदर, ये बैग मेरा बहुत भारी है। देख रहे हैं आप, यकीन करें इधर सिंगापुर में जो ग्रैब वाला ना, जो टैक्सी वाला, जो इधर किंग है, क्योंकि गाड़ी इतनी महंगी है, इतने ऊपर से टैक्स इतने हाई हैं कि अगर नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि इधर एक अमीर बंदा भी बहुत ही मुश्किल से गाड़ी अफोर्ड करता है। वो देखें जी आलिया बट मुझे सामने नज़र आ रही हैं। हेलो आलिया, आई थिंक ये इंडियन क्या कहते हैं जी, वो $95 इंडियन। ये जनाब कोई ज्वेलरी की शॉप है जी इंडियन,
देखें जी ग्रोसरी की शॉप इंडियन। अच्छा इधर जो इंडिया के जो लोग हैं वो उनकी जो रेस है वो सेम मलेशिया वाली है, यानी कि तमिल रेस। इधर ये मलेशिया और ये इधर आने से पहले मुझे नहीं था पता कि जी तमिल की इतनी बड़ी यानी कि वो होगी रेस होगी इधर। तो सिंगापुर में भी और मलेशिया में भी प्योर इंडियंस नहीं है, यानी कि तमिल रेस के इंडियंस हैं। तो ये एक मुझे नई चीज़ थी। ये देखें जी मंदिर आपको दिखाते हैं, ये देखें जी मंदिर, ये आज जी मंदिर। ये देखें जी ये प्रसाद के लिए सारी चीज़ें लगी हुई हैं। मैं भी अंदर जा सकता हूँ लेकिन मेरे पास अगर बैग ना होता तो शायद मैं अंदर जाके देखता कि क्या सीन है। ये देखें जी नारियल भी लगा जी इधर। ये देखें जी ये इंडियन शॉप है, पता नहीं अब ये रियल नहीं, रियल तो नहीं मुझे ये सोना लग रहा, लेकिन ये कि जो इंडियन स्टाइल में वो न्यू गोल्ड, आई थिंक ये गोल्ड ही हो। तो ये कि जी ये शॉप मुझे गोल्ड की नज़र आई है, $98 125 ग्राम का $98, पता नहीं अब इस तरह कोई उतार रहा था। ये देखें जी इधर भी यार फुल वाइब इंडियन वाइब। देखो ये टेलर भी हैं इंडियन। ये देखें जी अगर आपने मोबाइल ठीक करवाने हैं तो इधर से आप करवा सकते हैं, इंडियंस बैठे हैं। आई थिंक चीप ही होगा, बाकियों की नस्बत तो चीप ही होगा ये इलाका। अच्छा बात वही है कि मैंने एक लंदन के ब्लॉग में देखा था कि जो इंडियन है, मैंने उनके साथ ये समझ नहीं थी आती, लेकिन इस इधर आके और मलेशिया में भी मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि जो इंडियन है उसने अपने पूरे पूरे खानदान को इधर सेट किया हुआ है, सिंगापुर में भी और मलेशिया में भी, यानी कि अपने बंदे बुला लिए और काम उसको दिला दिया। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी यार वही बात, दूसरा दिन है मुझे सिंगापुर में और मैंने इधर कोई पाकिस्तानी नहीं देखा अब तक, मैं किसी पाकिस्तानी से नहीं मिला, तो इधर पाकिस्तानी है ही नहीं। ये देखें जी सिलाई वगैरह की और पूरी जी शॉप बनी है, जो कढ़ाइयाँ नहीं होती, कढ़ाइयाँ जो कढ़ाई होती है ये उनकी शॉप से, ये शॉप उसकी थी। ये देखें जी $5 की बेल्ट ले लूं और वो देखें जी $1 का आपको मिल जाएगा जी इधर पहनने के लिए इयररिंग, लेकिन बड़ा सिंपल सा। ये देखा जी टैक्सी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप टैक्सी का इधर लेवल देख रहे हैं, कितनी प्यारी टैक्सी और कितनी यानी कि मैं कहता हूँ ना कि लग्जरी किस्म की इधर टैक्सी है। तो क्यों ना जी टैक्सी वाले हैं इधर किंग हो। हिंदी को ये देखें हर जगह तमिल में लिखा है हर चीज़। आपको इधर जगह जगह पे सिग्नल नज़र आएंगे, जगह जगह पे जो लोग पार करके उधर जाना चाह रहे हैं वो आपको इधर नज़र आएगा। आपका भाई भी पार कर ही लेता है।
ये देखें जी गाड़ी खड़ी हुई है, आई थिंक ये कोई वो है, चाइनीज कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा इधर, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको चाइनीज़ नज़र आते हैं, तमिल और चाइनीज़, ये दो जी इधर हैं, दो नस्लें हैं जी इधर, लेकिन ज़्यादा चाइनीज़ हैं जिन्होंने ये कंट्री, मुझे लगता है, बनाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। सिंगापुर सिर्फ एक छोटी सी कंट्री है, 45 मिनट्स में, 1 घंटे में आप पूरी इधर सिटी घूम सकते हैं, यानी कि सिंगापुर में सिटी तो है ही नहीं ना, सिंगापुर बस एक ही है। तो सिंगापुर एक बस एक कंट्री है और एक ही सिटी है, और वो ये है सिंगापुर। लेकिन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट देख लें, अभी छोटी सी है, फुल ऑफ इंडियन वाइब। ले जी ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लव फ्रॉम सिंगापुर, और बहुत ही मज़ा आया मुझे सिंगापुर में, कल से हूँ मैं इधर, तो बहुत ही मज़े का, मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लेवल है। साउथ ईस्ट एशिया में आपको सिंगापुर जैसी कंट्री नहीं मिलेगी, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, इतना पीसफुल इधर, इतनी इनकी एवरीथिंग इनका, मैं तो देख के हैरान रहा, क्योंकि यूरोप से आगे की चीज़ है, ठीक है ये चीज़, तो सिंगापुर है यूरोप से आगे की चीज़ है। तो आई डोंट नो कि दुबई किस तरह का, लेकिन ये मुझे दुबई से भी कोई नेक्स्ट लेवल की चीज़ लग रही है। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।